अस्सलाम वालेकुम, मैं कैफ अहमद, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। वीडियो बड़ी ख़ास है, ये वीडियो आप लोगों की फरमाइश पे बनी है। लोगों ने इतने मैसेज किए, इतने कमेंट किए मुझे कि ये वीडियो बनाना पड़ा। जैसा कि मैं माय रूम टूर वाली वीडियो मैंने बताया था कि आप लोग जब कमेंट करके मुझसे पूछेंगे कि रूम रेंट आप बताइए कितना है, तभी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो वो मौका आ चुका है, ये वीडियो उसी पर है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा रूम टूर देख लीजिए, मैं दिखा दूँ कि किस टाइप का रूम आपको कतर में मिलता है और उसका रेंट क्या रहता है। तो इस टाइम हम दाखिल चुके हैं अपने फ्लैट में, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। ये जो एंट्रेंस घुसते ही हमें जो नज़र आता है पहला, वो है ये टॉयलेट। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये है टॉयलेट, बस ज़्यादा मत देखिए। और ये हमारा कुछ बैठेगा आप कह लें इसे। इसके बाद सामने ही ये जस्ट एक रूम नज़र आता है, ड्राइंग रूम देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से, ये कुछ इस अंदाज में। उसके बाद गैलरी है, गैलरी के बाद देख सकते हैं आप, ये रहा हमारा किचन, खाना बन रहा है उस्ताद, ये फ्रिज, और ये है किचन कुछ इस तरह से, और ये है वो खिड़की। किचन से बाहर निकलने पर हमें एक रूम जस्ट सामने नजर आता है, उसके बाद हमें एक रूम ये नजर आता है। कुल मिलाकर एक, दो और वो ड्राइंग रूम, तीन, ये तीन रूम इधर हो गए। उसके बाद जो रूम थर्ड वाला था, इसके बगल में जस्ट सटे एक ये वॉशरूम आता है हमारा, देख सकते हैं आप, ये है एक हमारा वॉशरूम नंबर सेकंड। देख सकते हैं आप, कुछ महान लोग थे जिन्होंने टॉयलेट में फ्रिज रखी हुई है। खैर, तो कुछ ये है, और अब इससे बाहर निकलते हैं। अब बात करते हैं फ्रंट से। तो बता दूं कि जो आपने ये रूम देखा है, जो मैंने दिखाया है चंद सेकंड में, वो है 4000 रियाल पर मंथ। उसका हम पे करते हैं, जिसमें दो लेटरिंग, तीन रूम और एक किचन है। इलाका काफ़ी बेहतरीन है, आप मेरी वीडियोस में देखते होंगे जो मैं रोज़ डेली, मतलब जब वीडियो अपलोड करता हूँ उसमें जो इलाका दिखाता हूँ आपको, बस वही मेन है, वहीं पे मैं रहता हूँ। तो इलाका काफ़ी ज़बरदस्त है, उस हिसाब से ये रेट 4000 रियाल ये लोग ले रहे हैं पर मंथ का। अगर आप सऊदी से कंपेयर करोगे तो फिर भाई आप कतर में नहीं रह पाओगे। सऊदी में अगर यहाँ पर 4000 रियाल पर मंथ है, तो सऊदी में आपका 1 साल या 6 महीने का होता है, तो रेट ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो अब बात करते हैं कि 4000 रियाल में, तो ये इसमें तीन कमरे हैं, दो लेटरिन बाथरूम है, एक किचन है, तो इसलिए 4000 रियाल का है। अगर आपको एक रूम चाहिए, एक रूम हो, लेटरिन बाथरूम हो और किचन हो, तो वो आपको 2000 रियाल का पड़ता है। और अगर आप चाहते हैं रूम को शेयर में लेना, जैसे होता ना कि हॉस्टल, मतलब एक तरीके से जैसे बॉयज़ रह रहे हैं, आप रूम शेयर करके रहना चाहते हो कि 5-6 लोग एक कमरे में रह रहे हैं, एक आप भी उसमें अपना बेड लगा लिए साइड में, और उस टाइप अगर आप कुछ चाहते हो, तो भैया मैं बता दूं कि कम से कम 600 रियाल आपका महीना जाएगा। 600 रियाल महीना आप जब दोगे, तब जाके आप उस तरह से रह पाओगे। तो यहाँ का ये रेट चलता है। तो ये है कुछ कतर में रेंट कितना पड़ता है। एक कमरा हुआ तो 2000 रियाल, एक से ज़्यादा हुआ, ऐसे मैंने दिखाया है, तो ये 4000 रियाल पूरा फ्लैट है। और अगर आप चाहते हो कि रूम में थोड़ा सा, थोड़ी सी जगह मिल जाए एक बेड लगाने भर का, तो जो डबल टाइप से होता है ऊपर नीचे वाला, वैसा कुछ मिल जाए, तो आपको 600 रियाल कम से कम देना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ जो भी आपके मन में सवाल थे रूम रेंट को लेकर, वो सारे सवाल इस वीडियो के बाद निकल गए होंगे। कि आप लोगों के, बहुत लोगों के दिलों में ये रहता है कि क्या रूम पूरा लेना सही रहता है कि नहीं रहता है। देखिए भैया, अगर आप अकेले हैं तो आप शेयर में लें, आपका फ़ायदा है, क्योंकि अकेले रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, रूम सिर्फ पैसा बर्बादी है, सिंपल सी बात। बाकी अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो आप उड़ाएं, लेकिन अगर अकेले हैं आप तो शेयर करके रहें, ज़्यादा बेटर पड़ता है, और 600 रियाल तक मिल जाता है। बाकी यही सब चीज़ें हैं, आराम से रूम मिल जाएंगे, बस थोड़ा सा खोजना पड़ेगा, 2-3 दिन की मेहनत है, रूम मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फैला दें, और बताएं कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर हो, क्या हो, कैसी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। ख्याल रखें, अस्सलामुअलैकुम।